Hey guys, welcome to my channel guys. IQ Z7 Pro 5G का यार इंडिया लॉन्च कंफर्म हो गया है। 31 अगस्त को यार इंडिया में लॉन्च होने वाला है। Amazon पर टीजर आ गया है, IQ की यहाँ पर ट्विटर पर भी जो है वो टीजर निकल कर आ चुका है। काफी सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पर इसके लीक हो चुके हैं, सबके बारे में बताऊंगा और किस प्राइस रेंज में ये इंडिया में आने वाला है उसके बारे में बताऊंगा। तो चैनल पहली बार आया चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बिल्ड और डिजाइन से। तो बिल्ड और डिजाइन के बारे में कुछ खास यहाँ पर तो अभी नहीं निकल गया है, बट यहाँ पर देखने से लग रहा है कि यहाँ पर मेटल फ्रेम होने वाला है, पीछे की तरफ आपको ग्लास बैक जो मिल सकता है। वहीं बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में यहाँ पर लगभग कंफर्म जैसा लग रहा है कि इसमें 6.78 इंच की एक फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें 120 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट होगा, 360 हर्ट्ज का यहाँ पर टच सैम्पलिंग होगा, इसके अलावा 1080p का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं इतनी ही स्पेसिफिकेशन यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में लीक हुई है। वहीं परफॉर्मेंस की बात करें तो बताया जा रहा है कि इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर 4nm पर बेस्ड होगा। तो पावर एफिशिएंट यहाँ पर काफी अच्छा होने वाला है। ऑक्टा कोर CPU है, 7 लाख के आसपास यहाँ पर N22 स्कोर है, और साथ ही साथ N22 स्कोर की यहाँ पर फोटो भी लीक हुई थी, तो जिसमें जो है लगभग 7,26,000 के आसपास को जो स्कोर देखने को मिल रहा है, तो परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है। वहीं बात करते हैं यहां पर GPU की, तो मालिक है G610 MC4 वाला GPU यहां पर देखने को मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से 7050 या फिर 8020 के ऊपर थोड़ा सा अपग्रेड यहां पर देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं बैटरी की, तो इसमें आपको 4600 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, साथ ही 66 वाट का चार्जर यहां पर बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो फास्ट चार्जिंग भी है, बैटरी भी यहां पर क्लोज टू 5000 mAh मिलने वाली है, जो कि मुझे लगता है अच्छी चीज है। बात करते हैं रैम स्टोरेज की, तो यहां पर बताया जा रहा है कि दो मॉडल हो सकते हैं, 8GB रैम 128GB स्टोरेज, इसके अलावा 12GB रैम 256GB स्टोरेज, LPDDR4X रैम और UFS 3.1 हो सकता है। वैसे यहां पर ये कंफर्म नहीं हो सकता, यहां पर UFS 2.2 दे दे, लेकिन मेरे ख्याल से जहां तक होगा फास्ट स्टोरेज ही यहां पर IQ प्रोवाइड करेगी। वहीं बात करते हैं कैमरे की, तो कैमरा यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर डुअल कैमरा सेटअप हो सकता है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसमें OIS का सपोर्ट होगा। सेंसर के बारे में कुछ खास पता नहीं चला है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा, जो कि बेकार होगा बिल्कुल। वहीं बात करते हैं फ्रंट की, तो 16MP का फ्रंट कैमरा यहां पर देखने को मिलने वाला है, जो कि अच्छा है। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो 4K तक का आपको सपोर्ट रियल में मिल जाएगा, वहीं 1080p तक आप जो है वो फ्रंट में रिकॉर्ड कर पाओगे। वहीं बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो बताया जा रहा है कि फ्रंट टच OS 13 यहां पर देखने को मिलने वाली है, एंड्रॉइड 13 होगा, और वही 2 साल के अपडेट और 3 साल के जो है सिक्योरिटी अपडेट देखने को आपको मिलने वाले हैं। वहीं बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो 5G के साथ तो यहां पर आने वाला है, और बैंड्स की बात करें तो यहां पर लगभग 10 से ज्यादा ही बैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, डुअल बैंड वाईफाई भी मिल जाएगा और ब्लूटूथ 5.2 वर्जन हो सकता है। ये सब बेसिक चीजें आपको जरूर से मिल जाएंगी। वहीं एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है, फेस अनलॉक हो जाएगा, वर्चुअल रैम भी मिल जाएगी, और सभी प्रकार के सेंसर GPS भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि बेसिक चीजें हैं। यहाँ पर ऑडियो की बात करें तो बताया जा रहा है कि डुअल स्पीकर के साथ यहाँ पर देखने को मिल सकता है, डुअल माइक्रोफोन तो मिलेगा ही मिलेगा। 3.5mm जैक के ऊपर अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हो सकता है ना मिले या हो सकता है मिल भी सकता है, वो IQ के ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है। तो यार देख सकते हो मैंने लगभग यहाँ पर जो लीक स्पेक्स होते हैं वो यहाँ पर बता दी, इसमें से कुछ स्पेक्स जो है कंफर्म्ड है, कुछ स्पेक्स यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं हुए। वही बात करते हैं यहाँ पर प्राइस की, तो प्राइस बताया जा रहा है लगभग ये आपको जो 24-25 हजार से स्टार्ट हो सकता है इसका बेस मॉडल 8128, और यहाँ पर हाईअर जो है वो आपको लगभग 27 से लेकर 28 हजार 29 हजार तक यहाँ पर जा सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर ये अच्छी प्राइस पर आता है, अगर यहाँ पर 23-24 हजार के आसपास आता है, तो ये काफी ज्यादा कंपटीटर हो सकता है रियलमी 11 प्रो और लावा अग्नि 2 के आसपास। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर यही प्राइस हो सकती है। तो जब आएगा ये यहाँ पर 31 अगस्त को, इसके बारे में सारी और डिटेल देंगे। तो यार आपको कैसी लगी, अगर आएगा तो क्या आप बाय करोगे कि नहीं, तो वीडियो चलेगी जरूर से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।